हेलो हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, आज हम आए एक कोल्ड स्टोरेज पे जो बनासकांठा की डीसा तहसील में है, और कोल्ड स्टोरेज का नाम है विकास कोल्ड स्टोरेज। हम ये कोल्ड स्टोरेज में आके देखेंगे कि आज जो 23 फरवरी हुआ है, 23 फरवरी के दिन कोल्ड में कितना माल आया है, और जो कोल्ड का जो पोजीशन है, जो ट्रैक्टर लगे वो कितने हैं, और अगर कोल्ड मालिक कोल्ड पे मिलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे, और नहीं मिले तो हम मैनेजर से बात करेंगे। तो कबीरा भाई दिखाओ के कोल्ड में घुमा के कि कितने ट्रैक्टर खड़े हैं, दिखाओ। किसान भाई, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और कांटे भी पड़ा है, 1 6 7 कुल मिला के 8 ट्रैक्टर खड़े हैं, और जो ट्रैक्टर भर के आए हैं उनमें माल भी ज़्यादा लदा हुआ है, तकरीबन 120 से 150 कट्टा लगा के आए हैं। तो हम आगे देखेंगे चैम्बर में जाके कि कितना माल है। आप देखिए, ये ट्रैक्टर साहब आलू लोड करके आए हैं, और अभी जो आलू में चैम्बर में डालने का काम भी चल रहा है। तो हम देखते हैं कि हाँ कोल्ड के मैनेजर है कि नहीं, तो हाँ शायद है, तो इनसे मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी कोल्ड भराई का काम चल रहा है, तो कैमरा पे आप देख पा रहे होंगे कि जो लेबर है लगी हुई है और बढ़िया सा काम चल रहा है। तो ये कोल्ड की एक विशेषता है कि ये कोल्ड में जो कोल्ड के ओनर हैं चेटी माली सर, उन्होंने अपने कोल्ड के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई हुई है। उन्होंने आलू लाने के लिए जो ट्रैक्टर है, लेबर है, उसकी बढ़िया सी व्यवस्था की हुई है, जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना आए और अपना आलू सहूलियत के साथ अंदर रख पाए। किसान भी मौजूद है हमारे यहाँ पे, लेकिन पहले सबसे पहले मैनेजर से मिल लेते हैं कि उन्होंने अभी तक कितना आलू अंदर लोड किया है। नमस्कार भाई साहब। मैनेजर साहब भागे जा रहे हैं, क्योंकि वो काम तो करना जानते हैं लेकिन कैमरे से नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। उनके हाथ नीचे एक और भी है मैनेजर, जो हमारे अल्पेश भाई है, उनसे हम बात करते हैं। तो अल्पेश भाई, पहले तो अपना फ़ोन नीचे रखिए और कैमरे के सामने ध्यान दीजिए कि अभी तक आपके कोल्ड में कितना माल आया है। अभी तक हमारे कोल्ड में 27,000 तक आ जाते हैं। 27,000 पैकेट आए हैं। 23 फरवरी अभी का जो वक्त है, उस टाइम वक्त अभी 27,000 पैकेट आए हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि पिछले साल इस तारीख तक आपके कोल्ड में कितने पैकेट आए थे। पिछले साल देखा जाए तो इस तारीख तक 80-85,000 पैकेट आ गए थे, इस साल बहुत कम है, पीछे लेट हो गए हैं। पिछले साल मतलब 2022 के साल में अल्पेश भाई का कहना है कि इनके विकास कोल्ड में 80-85,000 पैकेट आलू के आ गए थे, लेकिन इस साल अभी 27,000 ही आए हैं। तो अल्पेश भाई, ये आलू कम आने के पीछे वजह क्या है? कम आने के पीछे वजह है बारिश। अभी वो थोड़े दिन पहले बारिश हुआ था, उसके कारण अभी लेट हो गए हैं। बारिश हुआ, उसकी वजह से लेट हुआ है। ये बात भी सही है अल्पेश भाई की, बारिश होने की वजह से जो आलू भराई का जो काम है, खुदाई का काम है, वो लेट हुआ, और उसकी वजह से जो कोल्ड का जो काम होता है वो लेट चालू हुआ, 15-20 दिन लेट हुआ। उसकी वजह से अभी जो कोल्ड भराई का काम है पूरे जोश से चल नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से ही कट्टे कम आए हैं। तो अल्पेश भाई, एक बात एक और भी चल रही है कि किसान भाई बोल रहे हैं कि इस साल कोल्ड मालिक है या तो व्यापारी है, वो खेत में आलू खरीदने नहीं जा रहे, तो आपको कोई ऐसा जवाब है आपके पास कि ये क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि अभी रेट थोड़ी कम है। हाँ, और व्यापारी लोग इस रेट में नहीं खरीदना चाहते हैं, और आलू अभी निकलने वाला चालू है पिछले टाइम से बराबर, इसलिए कम जा रहे हैं, तो सभी खेत में ढगा कर रहे हैं। अल्पेश भाई का कहना है कि जो कोल्ड मालिक है या व्यापारी है, वो खेत में आलू खरीदने के लिए क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने जवाब दिया है कि जो 2022 के साल में जो कोल्ड मालिक या तो भंसारी या तो व्यापारी है, उन्होंने बढ़ चढ़ के जो आलू खरीदा, और बाद में थोड़ा जो रेट का मसला हुआ, रेट गिर गए, और उसकी वजह से उनका पैसा नहीं बना, ये मेन वजह है। और दूसरी वजह ये है कि जो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, तो इसी तरह ही 2022 में जो नुकसान किया, उसकी वजह से 2023 में अभी कोल्ड मालिक या व्यापारी अभी रुक रुक के काम कर रहे हैं, कि देखते हैं कि पहले
पहले खुदाई हो जाए उसके बाद उसको पता चले कि इस साल पैदावार कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, उसी हिसाब से ही आगे काम चलाए। तो किसान भाई डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी खुदाई का काम चालू है। जब खुदाई 50% से ऊपर हो जाएगी पूरे भारत में, तो जो पूरा जो पिक्चर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो अगर किसान व्यापारियों को या गोल्ड मालिकों को लगेगा कि अगर पैदावार कम है या तो पिछले साल जितना है और कोल्ड में माल अभी उनको ज़रूरत होगी, तो वो ख़रीदारी भी करेंगे। और किसानों को कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जो उत्पादन है वो पैदावार है वो तो जो होने वाली वो तो हो ही जाएगी। और मार्केट में हो सके इतना ज़्यादा आलू मत डालिए, थोड़ा देख के काम कीजिए। और अपने जो उपज है, अपने आलू की जो पूरी उपज है, उसको 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश करिए। 33% आप मार्केट में ले जाइए, 33% आप खेत में अपना डंप लगाइए, और 33% अपने कोल्ड में डालने की कोशिश करिए। उसकी वजह से जो मार्केट में अभी जो भराव चल रहा है वो भी कम हो जाएगा, कोल्ड में भी पूरा कोल्ड नहीं भर पाएगा, और जो अपने खेत में जो आप डंप लगाओगे उसका भी आपको पूरा रेट मिलेगा। तो जो परिस्थिति हमने पैदा की है जो हाइब्रिड आलू लगा लगा के ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में, तो ये जो भाव का चक्कर अगर हमें सही तरह सही करना है तो ये 33% वाली जो फार्मूला है उसको लागू करेंगे तो बेशक हमको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और अभी देखें तो पूरे भारत में कोल्ड में अभी माल 10% या 20% ही आया है, कोल्ड भरना बाकी है। तो आगे देखते जाइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे आने वाले वीडियो को भी देखते रहिए, तो आपको पूरा जानकारी मिलता रहेगा। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।